हेलो गाइस, एक बार फिर से मैं इमरान अहमद, मेरा यूट्यूब चैनल इमरान मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसे कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि हम आज शॉर्ट ट्रिक को देखेंगे कि हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व कर लेंगे। तो हम सबसे पहले हम एक उदाहरण लेते हैं और उसको हम जिस तरह से सॉल्व करते हैं, सरल विधि से उसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है 13 का स्क्वायर है, उसके बाद है माइनस है 12 का स्क्वायर। तो इसको जिस तरह हम आप पे जैसे सॉल्व करते हैं उसको हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं उस तरह से। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 13 का स्क्वायर है, यानी 13 को हम 2 बार लिख कर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी स्क्वायर का मतलब यही होता है। यानी 13 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम मिलेगा 169। उसके बाद है माइनस, तो माइनस लिखेंगे, और उसके बाद है यहाँ पर 12 का स्क्वायर। यानी 12 का स्क्वायर का मतलब है, यानी 12 और 12 लिख कर हमें 2 बार गुना करना है। यानी 12 से 12 में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 144। तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो हम मिलेगा 25। तो यही हो गया हमारा, इसका आंसर हमारा यही हो गया। तो यह जो हम यह शॉर्ट ट्रिक बनाए वह सिर्फ इन्हीं के लिए है। कैसा है, यानी जैसे हम 197 का स्क्वायर लेंगे, यानी इसके जस्ट पहले वाला का ही स्क्वायर जो शॉर्ट ट्रिक काम करता है। जैसे यहाँ पर 104 का स्क्वायर, तो उसके पहले कौन आता है 103, यानी माइनस होगा 103 का स्क्वायर। यह प्लस पर भी यह शॉर्ट ट्रिक कार्य नहीं करता है। जैसे यहाँ पर 68 का स्क्वायर, तो इससे हम कम कर लेंगे, यानी 67 का स्क्वायर। तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक के एक जब कम होगा और माइनस में होगा तभी जाकर हमारा यह शॉर्ट ट्रिक काम करता है। तो इस तरह से हमें करने में ज़्यादा थोड़ा समय लग जा रहा है, लेकिन इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 97 का स्क्वायर, यानी 97 लिख देंगे, और यहाँ पर 96, यानी यहाँ पर हम लिख देंगे 96। बस सिर्फ इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको सिर्फ हम ऐड कर देंगे, यानी इसको ऐड करेंगे 7 6 13 3 8 1 9 9 18 1 19, यानी इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 193। तो यही हो गया हमारा 193। और सेम उसी तरह यह भी है 104 का स्क्वायर, यानी इससे एक कम है, यानी 103 का स्क्वायर, और यह माइनस में, तो यह हमारा ट्रिक के कार्य कर जाएगा। यानी 104 को और 103 को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ क्या कर देंगे, सिर्फ ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 207, तो इसका आंसर हो जाएगा 207। उसी तरह यह भी है, यानी 68 का स्क्वायर है, और उसके बाद माइनस है, और इससे एक कम का स्क्वायर, यानी 67 का स्क्वायर। तो सिर्फ इसको ऐड कर देंगे, यानी 68 है, और 67 को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 8 7 15 5 86 1 6 6 12 1 13, यानी 135 मिलेगा। यानी इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 135। तो इस तरह से हमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। पहले 13 में 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद है माइनस माइनस लिखते हैं, उसको फिर 12 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर करते, उसके बाद माइनस करते तो हमें जाकर 25 आता। तो हमारा इससे भी हो जाएगा, तो यही सब हो जाएगा हमारा आंसर। तो अगर आपको यह ट्रिक समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।